हाँ तो दोस्तों, ये है जमुना एक्सप्रेसवे। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कहा था आपको, अब ये रास्ते का टारमैक देखिए, पूरा कंक्रीट और रिवर्स ग्रिप किया हुआ है रास्ते में। ये देखिए कैसे शानदार रिवर्स ग्रिप है। इसके जरिए क्या होता है, आपके साथ आपका जो गाड़ी है उसका टायर जो है वेट कंडीशन में भी अच्छे से ये रोड को ग्रिप करके चल सकता है, एक्सीलरेशन इजिली होता है, और ड्राई कंडीशन में तो बात ही नहीं है। और नीचे एयर गैप भी रहता है, इसलिए टायर का हीट जो है वो भी ज्यादा होता नहीं है। कॉर्नरिंग के मामले में भी बहुत अच्छा स्टेबिलिटी देता है। प्लेन जो पीच होते हैं उसके रोड सर्विस के से ये कई गुना बेहतर रोड सर्विस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जमुना एक्सप्रेसवे में, अब हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे। यह तो मस्त रास्ता है, मतलब अगला रोड में उससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर रास्ता है ये। मेरे हिसाब से ज्योति एक्सप्रेस वे मैंने देखा सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस वे यही है, जो जमुना एक्सप्रेस वे है। आगरा से सीधा ग्रेटर नोएडा, नोएडा तक ये जाता है, और इसका प्रिफरल हाईवे जो है वहाँ पे एक्सप्रेस वे वो उसको एक कनेक्ट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एक बात ये मैंने देखा, ये हम अभी यमुना में घुस गए, तो यहाँ पे ना एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो बाइक है ये R15 V4 है। मैंने आज तक यूट्यूब में कहीं नहीं देखा और कोई ब्लॉग में भी आज तक किसी का क्लेम नहीं देखा कि कोलकाता से सीधा दिल्ली सोलो ट्रिप में कोई गया है। तो ये जाने के वक्त, जैसा मेरा वीडियो में आप देख सकते हो, टाइटल में डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, मेरा जान मतलब बगैर जाने, मेरे जानने के बाहर, एक जानकारी के बाहर भी 2 रिकॉर्ड हो गया मुझसे, तो ये R15 V4 के मदद से। तो क्या क्या हुआ मैंने बताता हूँ आपको। ये पहला रिकॉर्ड जो है वो है एक ही दिन में 1028 किलोमीटर, 1028 किलोमीटर का जर्नी जो मैंने कोलकाता से लेके सीधा कानपुर तक किया था, जो आपको गूगल मैप में दिखाई देगा कि जो होटल में मैंने हॉल्ट किया था उसका डिस्टेंस है 7000 किलोमीटर। और रास्ते में मैंने ये सही हॉस्पिटल, आसनसोल, ऐसा थोड़ा बहुत इधर उधर कर चुका हूँ, तो इधर उधर होता ही है। तो मेरा ओडोमीटर के हिसाब के अनुसार ये 1028 है। और रास्ते में मुझे ये पूरा दिल्ली आने के लिए नोएडा तक मुझे 5 बार फुल टैंक रिफिल करना पड़ा। फुल टैंक मतलब जब रिचार्ज जाता था तभी मैं फुल करा लेता था, तो वैसे ही हिसाब से 8-9 लीटर ऐसा करके तेल मैं भरा करता था। तो यही बात है। तो ये आपको भी अच्छा लगा होगा कि ये R15 V4 कई लोग पूछते थे लॉन्ग टर्म के बना नहीं है, वो सही बात नहीं है। एक्चुअली राइडर जो है वो और उसका स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कहाँ तक जा पाएगा। लौटने के वक्त भी आप देखोगे कि एक ही साथ में मैं यमुना एक्सप्रेस से, उसके बाद आगरा में ताजमहल देख के, उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से, उसके बाद लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस से होकर सीधा बॉक्सर तक एक ही दिन में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, जो कि दूसरा वाला रिकॉर्ड है। आज तक R15 V4 में सोलो ऐसा मैंने किसी को भी एक दिन में करके नहीं देखा है, और ना ही यूट्यूब में भी कोई वीडियो मेरे साथ के बाद रिजल्ट में आया है। तो मैं ये चाहूँगा कि दूसरे जो बंदे लोग हैं, राइडर्स लोग हैं, तो वो राइडर अगर चाहे तो ये करके ये रिकॉर्ड जो है उसको ब्रेक करे, उससे भी अच्छा रिकॉर्ड करे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे, प्रॉपर प्रिकॉशन, प्रॉपर राइडिंग गियर, प्रॉपर इलेक्ट्रोल, पानी वानी जो, और रोड साइड जो है मतलब टायर इन्फ्लेटर पोर्टेबल, पंचर रिपेयर किट, ठीक है, चेन लूप, उसके साथ साथ इंजीनियर टॉप ऑफ करने के लिए इंजीनियर, ये सब लेके ही चले, बेसिक टूल भी लेके चले। तो आइए आगे बढ़ते हैं जमुना एक्सप्रेस वे में। ये कितना बेहतरीन और शानदार रास्ता है, मतलब ये कुछ मतलब नेक्स्ट, एक अगर रेस ट्रैक आप समझ लो तो रेस ट्रैक से थोड़ा ही कम है, कुछ ज़्यादा कम नहीं है। यहाँ पे भी हिसाब एक ही है, एकदम लेफ्ट फर्स्ट लेन आप देख सकते हो, जो एक सीधा लाइन है, नॉन ओवरटेकिंग लाइन कहते हैं इसको। ये लाइन एक्चुअली क्रॉस करना, लेन क्रॉस करना नहीं चाहिए, लाइन पे मतलब ही बनता है। और ये है बाइकिंग लेन जहाँ पे मैं अभी, ठीक है, उसके बाद है स्लो मूविंग वाला ट्रैफिक लाइन, उसके बाद मीडियम स्पीड वाला, उसके बाद एकदम राइट साइड, राइट मोस्ट साइड में है आपका जो ओवरटेकिंग लेन, फास्टेस्ट व्हीकल का जो लेन होता है वो है। और दोस्तों हाँ, यहाँ पे मैंने फास्टेस्ट व्हीकल देखा, सुपर बाइक मैंने नहीं देखा, मेरा बदकिस्मती है, लेकिन मैंने गाड़ी इतना तक देखा है कि 170 80 कम से कम उसका स्पीड था, एक मर्सिडीज मैंने देखा है। तो निकल गया तो निकल ही गया, बाद में कहीं भी उनसे मिल नहीं पाए हम, इतने ही तेजी से वो निकला। तो लेकिन वो डेंजरस स्पीड भले ही आप समझ रहे होंगे, लेकिन ये अगर आपका एक्सपीरियंस है और स्पीड में आपका पूरा माइंड और ये ड्राइविंग का एबिलिटी है, सब माइंड सेट है और सब कुछ है, तो
वो अब देखो क्योंकि ज्यादा स्पीड ये इस रास्ते के हिसाब से है ही नहीं, मतलब इस रास्ते में आप आराम से आसानी से 200 तक चला ही सकते हो, ठीक है। अगर आपका गाड़ी मतलब व्हीकल जो है, बाइक हो या कार हो, वो अगर आपका परमिट करता है और केपेबल है तो ब्रेक सिस्टम अच्छा होना चाहिए, टायर प्रेशर ठीक होना चाहिए, और एक हर एक पार्ट को आपको राइड से पहले चेक कर लेना चाहिए, ठीक ठाक टाइट होना चाहिए सब कुछ, ईयरिंग ईयरिंग सब बराबर होना चाहिए, सॉकेट का कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, बराबर ऑयल और स्प्रिंग अच्छा रहना चाहिए। तो ये सब होगा तो आसानी से आप खींच सकते हो, भगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात ये है, जो भी करना है ओवरटेकिंग के लिए कम से कम 80 से 100 फुट आपको जगह पीछे पहले छोड़ के देख लेना होगा आगे क्या है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, कम से कम 20 फुट का गैप या फिर 10 फुट का गैप, 100 फुट स्पीड में 20 फुट का गैप साइड से मेंटेन करके आपको प्रॉपर पास लाइट मार के हॉर्न बजा के इंडिकेटर दे के उसके बाद ही ओवरटेक करना है, वरना ये जो है आपका ड्राइविंग एबिलिटी पर क्वेश्चन उठता है कि आप जिस भी ओवरटेक कर रहे हो कि नहीं। ये दिन हो या रात हो, नियम एक ही है, क्योंकि आगे का ड्राइवर और पीछे का जो भी गाड़ी आ रहा है दोनों ही अलर्ट हो जाए कि हाँ कोई गाड़ी बंदा ओवरटेक कर रहा है या फिर साइड लेना चाहता है, तो दूसरों को अलर्ट करना भी ड्राइवर का या फिर राइडर का एकदम जिम्मेदारी होता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा था कि तो ये दिल्ली आने के लिए पहले भी कानपुर ठहरना पड़ा, उसके बाद कानपुर से मोरेना, इटावा मोरेना होके वो काकनवा टेम्पल देखने के बाद से जंगल लिया क्रॉस करके आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे पकड़ के, फतेहाबाद होके आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे पकड़ के उसके बाद मैंने आया यहाँ रिंग रोड आगरा, उसके बाद वहाँ से मैंने पकड़ा आपका ये यमुना एक्सप्रेस पे। तो ये यमुना एक्सप्रेस नहीं, अभी चल रहे हैं हम, और इस वीडियो के अंत में आपको दिखा देंगे कि मुझे ये दिल्ली तक मतलब नोएडा जो होटल मेरा है वहाँ तक पहुँचने में कितना बार मतलब कल सुबह से लेकर आज तक रिफिल करना पड़ा, करीबन 5 बार रिफिल करना पड़ा मुझे, एग्जैक्टली 5 बार। ये 5 का पेट्रोल का बिल ही आपको एक बार में अंत में इस वीडियो के एकदम अंत वाला इमेज मैंने ये दे दिया है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक बार फुल ही कराना पड़ा है, कई बार ऐसा भी है 5 लीटर 6 लीटर भी भरा है, और कई बार 8 लीटर 9 लीटर भी भरा है, ऐसा है। कल 3 बार था, आज 2 बार, ऐसा करके 5 बार। तो वैसे ही मैंने ये पहले टोल गेट में मैं आ चुका हूँ, अभी देखिए। हाँ तो दोस्तों टोल देके मैं निकल गया हूँ, पहले ऐसा भी हुआ है कि टोल में मेरे पास कैश नहीं था, ऑनलाइन था, तो उन्होंने बोला कि कैश ही लेंगे, ये एक्सप्रेस देगा हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यही आजकल पूरा भारत में चलता है तो वो देना ही चाहिए, तो मुझे वापस पूरा वही वही लोग जो है टोल टैक्स के गेट में बैठे हुए, वही बंदे ने मुझे दिखा दिया कि पीछे एक बंदा बैठा हुआ है टोल गेट से बिल्कुल पहले, वो आपको अगर और कैश की जरूरत है, यूपीआई
UPI से उसको पैसा भेजने से वो आपको कैश पैसा दे देता है। तो मुझे फिर ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। टोल टैक्स के गेट में अगर फास्टैग तक चल जाता है तो UPI भी ऑलवेज चलाना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, हम अभी मिडवे में है यमुना एक्सप्रेस में, थोड़ी देर बाद एक्चुअली बैटरी भी खत्म हो जाएगा, तो मैं से बैटरी सेव कर करके, ये तो कोई एक्चुअली खास एक्शन करना नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा तीनों बैटरी, पीछे वाला बैटरी ये चल रहा है, तो कभी पॉज करके और कभी कभी इसको फिर वापस ऑन करके ये रिकॉर्डिंग जारी रखता हूँ, ठीक है, ताकि अंत तक पूरा बहुत व्यू ले पाए। पता नहीं आगे क्या होगा, चलिए चलते हैं, सो फार सो गुड। तो एक बात आपको तो अभी तक समझ आ ही रहा होगा कि ये जो कैमरा है कहाँ से, में एक स्पॉट है, ये स्पॉट काल से ही इस कैमरे में है, लेकिन ड्यू टू माई लैक ऑफ एक्सपीरियंस एज ए राइडर एंड ब्लॉगर मैंने ये नोटिस किया, लेकिन मैंने ये पूछना ही भूल गया। मैंने हेलमेट का वाइजर पूछा था, कुछ पूछा बाइक का भी सामने वाला जो होता है इसका, वो पूछा, जो जो चीज़ें मुझे नहीं सही लगा, लेकिन ये मैं पूछना भूल ही गया, इसलिए अभी तक ये में मतलब कैमरे का जो फोकेसिंग है उस केसिंग में लगा हुआ है। तो मैं ये दिल्ली जाके नोएडा होटल में घुस के मैं नोटिस करूँगा, उसके बाद तो पहुँचूँगा वापस घर आने के वक्त। तो अभी तक तो इसके लिए हम माफ़ी के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते, माफ़ी चाहते हैं मेरे सारे व्यूअर्स से कि ये मैंने एक्चुअली पूछना भूल गया था, वरना व्यू थोड़ा और अच्छा था। और ये देखिए अभी मेरा हाथ में कितना ज़्यादा सनबर्न हो चुका है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हो चुका है सनबर्न। वो देखिए व्हाइट पोर्शन, ये देखिए ब्राउन पोर्शन, बहुत ही सनबर्न हो चुका है। और उसके बाद ये सिर्फ सनबर्न नहीं, इतना दूर इतने तेजी से इतने कम समय में आने के लिए, ये हाथ में भी देखिए ये क्या बोलते हैं उसको, कॉर्न्स जो है, कॉर्न्स भी भर भर के पड़े हैं, उंगली में पड़े हैं, ठीक है, पाम में पड़े हैं, ठीक है, जो ये देखिए कितना बड़ा बड़ा हुआ है, ठीक है, ये परमानेंट हो गया है अभी। खैर ये देखिए हाथ का ऊपरिया हिस्सा, ये देखिए घड़ी का नीच का हिस्सा मेरा एक्चुअल स्किन का कलर है, और ये ऊपरी हिस्सा देखिए कितना काला हो चुका है, ठीक है, सफेद से बिल्कुल काला बना दिया मुझे, और क्या बोले। तो जो भी है राइड का एंजॉयमेंट बहुत ही ज्यादा था, एक्साइटमेंट भी, ये देखिए उंगली में पैर के इंडेक्स फिंगर और उसके मिडिल फिंगर में क्या हो चुका है, और आपका जो ये है ब्लिस्टर्स बोलो या फिर कॉर्न बोलो वो भी ये है यहाँ पे देख लेंगे। ये देखिए वाइजर में दिन में ही कितने सारे कीड़े मकोड़े और धूल मैल जमा हो चुके हैं, मतलब वाइजर वाला अच्छा सा एक हेलमेट कितना जरूरी है अच्छे राइड के लिए, ये तो अब इसके जरिए मतलब फील कर ही सकते हो। और ये है जो मैंने बताया था मेरा रिफुएलिंग का डिटेल्स, 5 5 जो है रिसिप्ट ये आपके सामने, आप पॉज करके हर एक का डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं दिल्ली वाला, तब तक डाटा, बाय बाय।